हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हजरा व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी का सालन। चलिए रेसिपी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा, लहसुन, इमली, प्याज, नारियल, टमाटर, आलू और थोड़ा भिंडी, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, करी पत्ता और प्याज। इन सब चीज़ों को हम जार में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। चेक कर लेते हैं कि ये पेस्ट बना है या नहीं है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे और थोड़ा पीस लेंगे। ये पेस्ट बनकर तैयार है। अभी हम नारियल और टमाटर को भी इसमें डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसमें जो बचा हुआ टमाटर था वो भी हम डाल लेंगे और अच्छे से इसे फिर से पीस लेंगे। सभी ये पेस्ट बनकर तैयार है। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। फ्लेम गरम, तेल गरम हो चुका है, सॉरी गाइस। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। डालेंगे करी पत्ता, अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। और थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें ये वाला पेस्ट डालेंगे जो हमने पहले पिसा हुआ था। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जब इसे हम अच्छे से भूनेंगे तो अच्छी वाली खुशबू आने लगेगी। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डालने वाले हैं हल्दी, चिली पाउडर और नमक। इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। अभी हम डालेंगे आलू। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से इसे भी थोड़ा सा दम कर लेंगे।
थोड़ा सा दम होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब आलू थोड़ा सा दम होने लगेगा अभी हम इसमें पिसा वाला टमाटर और नारियल का पेस्ट मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें फिर से मिलाएंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे भिंडी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक वेट करेंगे। अभी हम कुकर का लिड ओपन करेंगे और चेक करेंगे। गैस ये बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। दिखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अभी ये बनकर तैयार है। अभी हम इस पे हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।